गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आइज़ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं IBPS की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। पहले CRB RRB 12 की पोस्ट निकाली गई थी, अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो CRB RRB 13 की पोस्ट के लिए आया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कब से कब तक रिक्रूटमेंट चलने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि यहां पर आपको दी गई है, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन में यहां पे निकाली गई हैं। तो यहां पे जो वैकेंसीज रहेंगी वो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका रहेगा, जो कि क्लर्क की पोस्ट का ही रहेगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक में CRP क्लर्क 12-13 की पोस्ट निकाली गई है 2024 एंड 2025 के लिए। तो यहाँ पे अभी इनकी न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई है, कब से कब तक रिक्रूटमेंट चलेगा उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी वो 1/7/2023 से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा 21/7/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिस भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे मेन आपकी यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जब वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वैकेंसी निकाली गई हैं, इसका पेमेंट का प्रोसेस भी आपका सेम डेट पे ही रहेगा, 1/7/2023 से लेके 21/7/2023 तक। एंड कॉल लेटर के लिए 2023 तक जो वो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। प्री एग्ज़ाम जो आपका रहेगा ट्रेनिंग का, वो भी 2023 में रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी आपका डेट सेम रहेगा। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्ज़ाम जो रहेगा 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। जो ऑनलाइन का रिजल्ट आएगा वो 7-अक्टूबर में आ जाएगा। बाकी मेन एग्ज़ाम जो रहेगा वो 2023 में रहेगा एंड 2024 तक आपको जो वो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 500+ वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/7/2023 के दिन ये आपका नोटिस आएगा। तो इसका कंप्लीट नोटिस का आप वेट कर सकते हैं। इसमें प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम आपका रहेगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक रहेंगे उसका डिटेल भी आपको उसी ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा। इसके लिए आपका जो क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन रहता है वो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाकी का पूरा यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं उसके ऑफिशियल नोटिस में दे दूंगा। एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो रहती है वो यहाँ पे 850 रुपीज़ रहती है। यहाँ पे जो आपके अनरिजर्व कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स रहेंगे एंड जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स रहते हैं उसके लिए यहाँ पे 150 के करीब, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 175 के करीब जो वो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। बाकी इसका कंप्लीट नोटिस का आप वेट कर सकते हैं, 1-2 दिन में इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म के लिए जरूर वेट करें। यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं ये यहाँ पे IBPS की तरफ से जो आपका क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है 13 के लिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो यहाँ पे IBPS CRB की यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि यहाँ पे आपके 6500+ वैकेंसी निकाली गई थी, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लें। तो अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।